कि जो वाकया सी ये वाकया सितंबर का सी सितंबर 2015 का रिपोर्ट हुण आई आ ऑलमोस्ट जून दे विच के सरकार ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की थी और बिल्कुल प्रॉपर जांच नहीं हुई और जांच क्यों नहीं हुई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई प्रॉपर उसका जवाब भी इस रिपोर्ट दे विच मिलता ए रिपोर्ट दे विच पैरा नंबर 31 दे विच 31 तुहानू ए कॉपी दे दांगे उसे तुहानू पता चल जूगा पैरा नंबर 31 दे विच जो इन्होंने उहदे च साफ लिखिया जनरल परसेप्शन अमंग द पब्लिक दैट इंसीडेंट डिसेक्रेशन ऑफ ग्रंथ साहब टुक प्लेस एट द इंस्टेंस ऑफ बिग पीपल नाउ बिग पीपल का मतलब जेडे गवर्नमेंट दे विच बैठे बड़े लोग ने इस करके पहली गल तो एक परसेप्शन जनरली क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉपर हो रही इंसाफ अमंग उन्होंने गोलियां चल रही तो ये सरकार के बड़े बड़े लोग इनवॉल्व आ हुण यह कमीशन ने कन्फर्म कर दिता सरकार दे अपने अपॉइंट किए हुए कमीशन ने कन्फर्म कर दिता कि ये जो बड़े लोगों की इनवॉल्वमेंट ये एक बहुत बड़ी कोशिश सी सरकार वालों कि इतने की शांति भंग की जाए जदों इन्होंने दो मुंडिया गोली नाल मारिया तो ना दोवां गिरफ्तार किया उदों मैं उत्थे कोट बरगाड़ी पहुंचया बरगाड़ी पहुँच के जो मैं कचहरी में बैठा सी तो उतों के लोगल जर्नलिस्टा ने आके सारा ने मैंने कहा कि ये बहुत वड्डी चाल सी पंजाब की शांति को भंग कर ली और उस टाइम की हालत दसणगे केजरीवाल जी सब तो पहले लीडर से जेडे उदों उत्थे पहुंचे सी और उत्थे की हालत सब नूं पता कि जिन्ना रोश लोगों के जेडे इन्होंने दो बहबल कलां दे विच गोली मार के जिन्होंने मारिया उहदे बारे कमिशन ने की कहा वह देखो तुसीं हुण एक कमीशन का पेज नंबर 46 ते 48 पेज नंबर 46 से कमीशन बड़ा साफ एक गल क्लीयर करता कि ओ लोग उत्थे बैठे सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे सी नाउ द क्वेश्चन वेदर और नॉट द पुलिस फायरिंग वाज इन सेल्फ डिफेंस आंसर टू दिस इज टू बी फाउंड इन द नेगेटिव इन व्यू ऑफ द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो सेल्फ डिफेंस नहीं सी और चुप करके शांति नाल बैठे आ इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो पुलिस फायरिंग का मतलब नहीं सी ये जी पुलिस फायरिंग की भी एक तरह का इन्होंने कोशिश की इसनों इतों की शांति भंग कर दी तो ये इतों का ये उन्होंने सबक सिखाने के लिए इंसाफ मंग रहे हैं पेज नंबर 48 से देखो ये कमीशन लिख रहा इन द सरकमस्टांसिस वेदर द बोथ विक्टिम्स गुरजीत सिंह एंड कृष्ण भगवान सिंह वर इन सिटिंग पोजीशन व्हाट इंपेल्ड द पुलिस ऑफिशियल्स टू फायर एट देम मैं रिपीट करता जी द बोथ द विक्टिम्स वर इन सिटिंग पोजीशन व्हाट इंपेल्ड द पुलिस ऑफिशियल्स टू फायर एट देम एंड दैट टू फ्रॉम ए क्लोज कॉन्टैक्ट इज बियॉन्ड कंप्रीहेंशन मोर सो व्हेन द विक्टिम्स वर डिफेंसलेस and unarmed. There cannot be a more severe indictment of the government than this. Jo baithe aa jo eh kehnde si oh sare pracharak te sare oh dharne te baithe si shanti naal baithe si ohna de baithiyan de ja ke khade ho ke kulod range de vich ja ke goliyan chalaiyan oh bilkul nihatte si aur ohna kole koi hathiyar nahi si jo eh do jinna nu mariya jadon baithe si The upshot, therefore, is that the police firing, as a result of which two persons, Gurjeet Singh and Krishna Bhagwan Singh, died, and more than five injured, some grievously, was absolutely unwarranted. Is report to jada serious indictment sarkar di hor nahi ho sakti. Aina bada mamla, jo Punjab de recent past de vich, sab to badi, jo agitation hui, o a hui. और एडे बड़े मामले दे विच इन्होंने रिपोर्ट नूं रुकोया गलत दस्या और पूरी तरह सारे दे सारे पंजाब नूं गुमराह किया ते कोशिश की कि यह बिल्कुल इन्हूं दबाया जाए ये एक होर तो वड्डा साइन आ कि खुद सरकार ते खुद सरकार दे लीडर इस दे विच इनवॉल्व सी
ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि जो बेअदबी का पाप हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि सब लोगों को ये शक था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पंजाब की अमन चैन शांति भंग करने के लिए ये करवाया गया। लोगों को ये शक था कि चूंकि सरकार में बैठे हुए लोगों को अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव में वो हारने वाले हैं, वो किसी भी तरह से पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा है कि जो बेअदबी के कांड की जांच करवाई गई वो जांच बिल्कुल गलत करवाई गई। जांच के नाम पे उस पर पर्दा ढकने की कोशिश की गई राधा देन सच निकालने की कोशिश। अगर कोई भी कांड होता है उसकी जांच कोई क्यों दबाएगा? तभी दबाएगा जब उसके मन में शक होगा, जब उसका खुद का कुछ ना कुछ फंस रहा होगा। बादल सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी की जांच को क्यों दबाया, क्यों वाइट वॉश किया, तो ये शक पुख्ता होता है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जांच गड़बड़ की गई और जानबूझ के गड़बड़ की गई, तो ये शक पुख्ता होता है कि जो टॉप के ऊपर बैठे हुए सबसे बड़े लोग हैं और सब लोगों का शक सुखबीर सिंह बादल पे है, उन सब बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ शामिल है, इसलिए जांच गड़बड़ की गई। उसके बाद उन्होंने खुद ही कमीशन बनाया। ये कमीशन की रिपोर्ट आए हुए भी कई महीने हो गए, इस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? अब इस रिपोर्ट को भी इसीलिए दबाया गया ताकि सच सामने ना आ सके और कोई एक्स वाई जेड व्यक्ति कल रात को हमें ये रिपोर्ट देके गया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये सच सामने लेके आया। दूसरा, उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, जाहिर है कि लोगों की भावनाएं आहत होंगी। उसके बाद जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पुलिस फायरिंग की गई। पुलिस फायरिंग जो हुई, पुलिस का कहना था सरकार का कहना था सेल्फ डिफेंस में हुई, इसमें साफ साफ लिखा है सेल्फ डिफेंस में नहीं हुई। मतलब दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट दैट डिड द पुलिस फायरिंग टेक प्लेस इन सेल्फ डिफेंस, द आंसर टू दैट इज इन द नेगेटिव, कि नहीं, वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई। वन यार्ड मतलब एक गज की दूरी से गोली चली है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने गोली चलाई वो तो दोषी हैं, लेकिन वो तो मुलाजिम थे, जो मास्टरमाइंड जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए, जिस नेता ने आदेश दिए वो दोषी है। वो कौन है? वो दहशत फैलाना चाहते थे कि अगर तुम सरकार के खिलाफ विरोध करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। पंजाब के अंदर अमन चैन शांति भंग करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ज़्यादा दुख की बात यह है कि धार्मिक तौर पे लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिशें की गई। पंजाब की जनता को बधाई देना चाहेंगे कि वो इनके ट्रैप में नहीं आए और लोगों ने शांति बनाए रखी। आम आदमी पार्टी, हम लोग सभी धर्मों के ग्रंथों की इज्जत करते हैं, किसी भी हालत में, चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, किसी की भी बेअदबी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब सरकार बनेगी ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि पूरे पंजाब के अंदर सभी धर्मों के की इज्जत की जाए, सभी धर्मों के ग्रंथों की इज्जत की जाए और एक अमन चैन शांति कायम की जाए। हमने एक दो दिन पहले भी कहा था, सुखबीर सिंह बादल एक हार्डन्ड क्रिमिनल है, वो उप मुख्यमंत्री बना, ये दुर्भाग्य की बात है और उसे गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उसका एक ही मकसद है किसी भी तरह से पंजाब की शांति को भंग करना। सर, एक इसमें ये जो बात आ रही है, जो दो लोग मुख्य सरकार की तरफ से दोषी करार दिए गए थे, वो अब सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं दोनों लोग जो आप पार्टी में शामिल हो गए, तो सबूत हो गया कि आम आदमी पार्टी करना चाहती थी ऐसा काम। ओ दोनों लोग ओ बिल्कुल उठे थे, सारे जो एजिटेशन कर रहे थे उन्होंने सब ने कहा कि ये दोनों लोग गलत फड़े आ, उन्होंने बिच बैठे एक्चुअल ओ एजिटेशन कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। नहीं सर, 96 मिनट सर, बठिंडा मेरा क्वेश्चन मिस्टर केजरीवाल का,
मिस्टर केजरीवाल आप पे एक इल्जाम है कि आप जब भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई मरता है तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं। वन मैन वॉज किल्ड इन लुधियाना, आप लुधियाना में थे, सभी को आया सर 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 आप लुधियाना में थे, यू वर एड्रेसिंग दैट रैली जो वकीलों की थी, यू वर इन लुधियाना, वो कहेगा आपने भी कहा वहां पर कहा गया ही वॉज अ टेररिस्ट विक्टिम, ही वॉज अ टेररिस्ट विक्टिम, छह आदमी मारे गए, तीन लुधियाना में भी मारे, तीन परसों बॉम्बे वहां पर, उनमें छह आदमी लुधियाना में, आप किसी के घर पे नहीं गए, किसी के अफसोस करने भी नहीं गए, तो इसको क्या लिया जाए? सर संजय सिंह सबके घर गए हैं। नहीं सर आप, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो हम सर संजय सिंह उसके घर, लड़के के घर नहीं गए। सर संजय सिंह कल से सबके घर गए हैं, आप एक बार पता कीजिए, सबके घर में मरा ना सर, सबके घर गए हैं, संजय सिंह गए हैं, मेरा मैसेज लेके गए हैं, और चुनाव की व्यस्तता की वजह से, क्योंकि एक ही दिन रह गया था, आज शाम को 5 बजे रिपोर्ट सरकार के पास है, सरकार दे कोले रिपोर्ट आ, मैं चैलेंज करता सुखबीर बादल नू के इस नू कल प्रूव करके दिखावे, सुखबीर बादल दे कोले रिपोर्ट आ, सुखबीर बादल नू चैलेंज करते हैं कि इस नू गलत साबित करे, तो वो एकदम या करो अगर वो कहते हैं इन चैलेंज करते हैं तो रिपोर्ट एकदम रिलीज करे घंटे के अंदर अंदर, मीडिया नू खुद पता चल जूगा कि की सच है। सिलेक्टिव रिलीज का मतलब नहीं है, रिपोर्ट दो, रिपोर्ट एड्डी बड़ी जो रिपोर्ट आ, एना बड़ा इंसीडेंट आ, इहदे च कोई नैशनल सिक्योरिटी इनवॉल्व नहीं है, जिहड़ी के जिहदे नैशनल सिक्योरिटी करके जिवें इंदिरा गांधी दे ठक्कर कमीशन और बार नहीं है, यह पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, एक घंटे के बीच में जो चैलेंज कर दिया, अगर रिपोर्ट को रिलीज कर फिर साढ़े इस बारे गल करना, रिपोर्ट हम अभी आपको सबको बांट देंगे, अभी थोड़े कॉपियां दे, उसके लिए उनको बोला गया था, वो सब कुछ फर्जी था, आप कुछ नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कहने पे किया था, क्या ये आज क्यों कह रहा है वो, 6 महीने पहले जब हुआ था तब क्यों नहीं कहा, अब चुनाव के 2 दिन पहले क्यों कह रहा है, अब ये सारा आएगा, आज भी मैंने सुना है सुच्चा सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे करेंगे। जो बच्चे हुए उनकी जांच होगी और एक बेअदबी कांड, जो तीनों इशू आप क्यों फोकस कर रहे हो, ये तीनों के ऊपर कैंपेन क्यों है, इसके ये सबसे ज्यादा टच कर रहे हैं लोगों को, जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हों, जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा दुखी हों, नाराज हों, अन्याय महसूस करें, उन्हीं चीजों की बात कर रहे होंगे। बदले की भावना की बात नहीं आ रही, बदले की नहीं, भावना की बात है, अगर इंसाफ किसी के भी इंसाफ की बात है, न्याय की बात है, अगर किसी के धर्म के ग्रंथ की बेअदबी होती है उनको बुरा लगता है। पूरे पंजाब में आज नशा फैला हुआ है, लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, नशे की हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे किए गए दहशत फैलाने के लिए, उन पर्चों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये तो न्याय की बात है। देखो क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस का सब तो बड़ा प्रिंसिपल है, पनिशमेंट एक्ट एज ए डेटरेंट, पनिशमेंट बदले की भावना नहीं करनी होती, इसे करके गवर्नमेंट इन टेकअप करती है क्योंकि एज ए डेटरेंट एक्ट कर ले, कल होर कोई ऐसा करोना जुर्म ना करे, तो इसलिए यह जरूरी है जिसने जुर्म की तो सजा मिले ताकि उस दूसरी बार जुर्म ना करे जुर्म करती।